वेलकम स्टूडेंट फॉरएवर क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। ये बिल्डिंग ड्राइंग का 11th लेक्चर है। इसके पहले हमने आपको क्वीन पोस्ट के विषय में बताया था। आज आपको हम बताएंगे एक भूमि तल के ऊपर कंक्रीट फर्श का विस्तृत काट। देखिए इसके लिए जैसा कि पहले हमने आपको न्यू में बताया था कि इसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी को हम 1 सेमी से दर्शाएंगे। सेम टू सेम वही कार्य करना है आपको, यानी कि स्केल आपका रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेमी की दूरी को हम अपने स्केल पे यानी इस ड्राइंग शीट पे 1 सेमी से दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना है। मान लीजिए हम वाल की जो है चौड़ाई 30 सेमी ली है, कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ऊपरी सिरे से स्टार्ट करिएगा, 30 सेंटीमीटर इस तरह से वाल खींच दीजिएगा। 30 सेंटीमीटर का मतलब आपका इस ड्राइंग शीट पे 3 सेमी से दर्शाया जाएगा। ठीक, 30 सेमी के बाद ये आपका हो गया, ये लाइन थोड़ा बड़ा लाइन खींचेगा, अभी यहां से 5 सेंटीमीटर छोड़ के, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 mm, इस पॉइंट से 5 mm छोड़ के यहां एक वाल, फिर वहां एक पॉइंट, फिर यहां से 3 सेमी पे एक पॉइंट लिख दीजिएगा, पॉइंट डाल दीजिएगा, इस तरह से इसको खींच दीजिएगा ऊपर की तरफ। वही कार्य इधर भी करना है, फिर इधर भी 5 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका पीएल लाइन है। न्यू में आप लोग देखे होंगे पीएल से जैसे हम लोग वाल स्टार्ट करते हैं, आपका वाल है, वाल की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। ये वाल का सिंबल है, एग्जाम में सिंबल भी पूछता है तो ध्यान से सिंबल देख लीजिएगा। पेपर में बोलेगा कि आप भवन में उपयुक्त होने वाले 5 वस्तुओं का डायग्राम बना रहे हैं, जैसे बोलेगा तो आप उसी हिसाब से दीवार का दिखा दीजिएगा, कांच का दिखा दीजिएगा, अर्थ फिलिंग का दिखा दीजिएगा, लकड़ी का दिखा दीजिएगा, इस तरह से 5 फिगर बना दीजिएगा, उससे आयताकार बॉक्स में बनाइएगा। देखिए यहाँ पे यहां से इसकी जो दूरी होगी 5 सेमी होगा, 5 सेमी का मतलब जब इसमें आप चेंज करेंगे स्केल पे तो सिर्फ वो 5 mm से आएगा, 5 mm की दूरी लेकर इसे नीचे लिख दीजिएगा आवश्यकता अनुसार। यहाँ पे वही दूरी, ये लाइन आपका हो जाएगा, ये टोटल लाइन खींच दीजिएगा, बीच में नहीं लेना है। ये आपका पीएल है, ये आपका जीएल, जीएल से पीएल के बीच की दूरी मिनिमम 40 से लेकर 70 के बीच में होता है। तो ये आपका मान लीजिएगा आप लोग पैतालीस सेंटीमीटर, 45 का मतलब हो जाएगा कि यहां से 4.5 पे एक लाइन खींच दीजिएगा क्लियर लाइन, फिर इसके नीचे इस तरह से लाइन खींच के ये जो खसका है 5 का ले लीजिएगा, 5 सेमी इधर 5 सेमी इधर, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 mm से दर्शा दीजिएगा, इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा और यहां पे इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। इसका मतलब यह संरचना आगे भी इसी तरह से है, क्योंकि आप टोटल प्रत्येक में सब कुछ दिखाने लगे तो समय लग जाएगा, इसलिए नीचे काम छोड़ देते हैं जिसमें कंक्रीट ब्लॉक और खसके दिखाए जाते हैं। और देखिए इसमें आगे क्या करना है, यही से इस पॉइंट से 15 mm ऊपर
इससे 15 mm, 15 का मतलब आपका आएगा सिर्फ इस पे 15 mm जब करेंगे, 15 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आप सिर्फ इसको 1 से 1.5 mm के बीच में दर्शा दीजिएगा, तो 1.5 mm की दूरी लेकर 1 से 1.5 mm लिखिएगा, 15 mm खींचिएगा 1 से 1.5 mm। इस तरह से ये आपका है। वायरिंग लेयर है ये, 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 का एक कंक्रीट का बना होता है, इसका जो सीमेंट है और बालू गिट्टी का रेशियो होगा 1.5 का होगा। ये 15 mm मोटा होता है, इसी के जस्ट नीचे 25 mm थिक, 25 mm का मतलब 2.5 सेंटीमीटर अंडर लेयर होता है, 25 mm थिक अंडर लेयर, ये होता है 1:2:3, मतलब 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 के रेशियो में अंडर लेयर होता है। जस्ट इसके नीचे होता है बेस कंक्रीट जो कि 100 mm होता है, सौ एम एम बेस कंक्रीट, 100 mm बेस कंक्रीट होता है। फिर जस्ट इसके नीचे 100 mm सैंड फिलिंग किया जाता है, 100 mm सैंड सैंड फिलिंग। फिर उसके बाकी जो बचते हैं यानी जीएल से पीएल के बीच में बाकी जो इतना स्पेस बचेगा, इसमें मृदा की भराई की जाती है यानी सॉइल फिलिंग कर देंगे, या इसी को अर्थ फिलिंग कर दीजिएगा, अर्थ फिलिंग ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 15 mm का वायरिंग लेयर है, 25 mm थिक का अंडर लेयर है, फिर उसके बाद 100 mm बेस कंक्रीट, फिर 100 mm का सैंड फिलिंग है, फिर इसके नीचे जो बाकी बचेगा इसमें आप मृदा की भराई करेंगे यानी अर्थ फिलिंग कर देंगे। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे कंक्रीटिंग एक तरह से इस तरह से कर दीजिएगा, छोटे छोटे कंक्रीट जैसे होते हैं कंक्रीट के ब्लॉक, इस तरह से सिंपल दर्शा दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंक्रीट ग्रेडिंग बढ़ा दीजिएगा, त्रिभुज की आकृति त्रिभुज की तरह कंक्रीट रहेगा, बालू की भरा सॉरी बेस कंक्रीट भी है, इरा इसके बाद सैंड फिलिंग, सिर्फ सैंड फिलिंग करना है, बिंदु की तरह आकार दिखा दीजिएगा सैंड फिलिंग,
अर्थ फीलिंग है, अर्थ फीलिंग को चाहे तो आप इसको इस तरह से दिखा दीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से लहरदार सिंबल दिखा दीजिएगा। ये सिंबल ये बता रहा है कि यह संरचना आगे तक बढ़ाई गई है, मतलब ये संरचना छोटी सी इनका सेक्शन काट के दिखाया गया है। ये रहा आपका फर्श, देखिए इसमें क्या है, इसके अतिरिक्त इसमें क्या किया जाता है, डीपीसी का उचित व्यवस्था की जाती है। तो डीपीसी के लिए हम दो जगहों को चूज कर सकते हैं। पहले तो इसी पीएल लाइन के जस्ट ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का डीपीसी लगेगा, आप चाहे तो यहां भी डीपीसी लगा सकते हैं, या कभी कभी डीपीसी यहां पे लगाने से ग्राउंड फ्लोर में, ये देखिए यदि हम डीपीसी यहां पे लगा देंगे तो ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है, नीम के माध्यम से सिग्नल लग जाते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में हमेशा जो है नमी बना रहता है। तो इस नमी को दूर करने के लिए इसके लिए ऊपरी सिरे से 10 सेंटीमीटर नीचे ऊपरी सिरे से 10 सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर नीचे आएंगे, यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद इस तरह से इसको डॉट कर दीजिएगा। इस तरह से इसमें छोटे छोटे कंक्रीट भी दिखा दीजिएगा। ये आपका है डीपीसी, डीपीसी 4 सेमी, यानी डीपीसी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 एमएम, जो पट्टी की चौड़ाई होगी वो 4 एमएम होगा। इस तरह से आपका एक फर्श हो गया भूमि तल के जस्ट ऊपर। फिर से ब्रिक वर्क दिखा दीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे सीढ़ी। आज के लिए इतना ही।